हेलो, तरंग न्यूज आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतजार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार आप लोगों के साथ, और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। आज देश भर में दो चीजें मनाई जा रही, एक पुलवामा अटैक पर आज लोग शोक मना रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ लोग वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं। युवा और युवतियां लगातार देखा जा रहा है कि गुलाब का फूल देकर प्रपोज करती आईं। पूरा सप्ताह बीत गया, 7 तारीख से 14 तारीख तक लगातार जो है लव डे मनता रहा। लेकिन आज एक पुलवामा दिवस, जो कि कहीं ना कहीं ये आंखें नम हो जाती हैं सुनकर, जहां इतने सारे लोग एक साथ बम विस्फोट के कारण पूरा भारत के जो जवान थे वो मारे गए। हमारे साथ यहाँ पर शरद गौतम हैं, जो कि हम इनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे इस पूरे मामले पर कि आज जो है कौन सा दिवस मनाना चाहिए, और किस रूप में ले रहे हैं आप पुलवामा अटैक को, और या फिर सामने जो आज युवा युवतियाँ जो हमारे देश में इंग्लिश कल्चर चल रहा है उसे मानेंगे, किसे मानेंगे, जानने का प्रयास करते हैं। शरद जी, आप ये बताइएगा कि आज जो है, मैंने पहले ही बता दिया कि दो चीज़ें देखी जा रही हैं, आपका क्या कहना है, कौन सा आज दिवस मनाना चाहिए और कौन सा नहीं? भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया आज जिस तरह से देखा जाए तो हमारे सैनिक 40 जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, आज सब शहीद दिवस मना रहे हैं। लेकिन एक तरफ जिस तरह से देखा जाए तो कल्चर जो दिख रहा है कि लोग वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, ऐसे में लगता है कि कहीं ना कहीं शहीदों को लोग भूल गए हैं। जिस तरह से हमारा देश आज़ाद हुआ, जिस तरह से शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद कराया, और आज भी सैनिक बॉर्डर पर लगे हुए हैं, रोज़ आए दिन हमारे सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन किसी के घर का चिराग चला जाता है, आज वो शोकाकुल में है। लेकिन हर व्यक्ति शोकाकुल न मना करके वैलेंटाइन डे मना रहा है। एक तरफ देखा जाए तो यहीं पर अगर हम बात करें तो आपको याद होगा शहीद सुधाकर सिंह की स्मृति बनी हुई है, लोग 15 अगस्त 26 जनवरी में भी उनकी स्मृति को झाड़ फूंक करने नहीं जाते। उनका जो चबूतरा बना हुआ है वो कचरा गृह बन चुका है, कोई नहीं। लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी में सिर्फ साल और श्रीफल दे करके लोग मनाते हैं कि हम शहीदों का सम्मान कर रहे हैं। किस तरह का सम्मान कर रहे हैं आप? एक तरफ आज हमारा देश 40-40 लोगों को शहीद हो गए, आज उनका कोई, आप देख रहे हैं कि ना तो प्रशासन को याद है, ना शासन को याद है, ना नेताओं को याद है कि क्या कर रहे हैं। जब वोट बैलेंस बनाना होगा तो हम शहीदों के घर में जाएंगे, शहीदों के घर में जा करके हम सांत्वना व्यक्त करेंगे कि अरे आपके घर का चिराग, हम आपको इतना दे रहे हैं, 40 लाख दे रहे हैं, ये दे रहे, ऐसे में नहीं होता। अगर किसी व्यक्ति को याद करना है, किसी व्यक्ति को हमें श्रद्धांजलि देनी है, तो हम उसके जो चबूतरा बना हुआ है कम से कम उसकी सफाई करवा दें। साल भर में ये त्यौहार आता है, इसको हम एक अच्छे से मनाएं, एक अच्छा उनका संदेश जाए कि हाँ हमारे सीधी ज़िले में पुलवामा दिवस के दिन लोगों ने अच्छी श्रद्धांजलि दी, लोगों ने अच्छा व्यवहार किया, लोगों के जो श्रद्धांजलि जिनके घर का ये हुआ है, जिनके घर का लाल गया, जिनके घर का चिराग गया है, उनको हम उस दिन श्रीफल और साल दे करके अगर वो करें तब हमको लगता है कि नहीं, हाँ हमारा सीधी ज़िला एक पुलवामा हमले में अच्छा अपना शरीक दे रहा है। लेकिन आज सब वैलेंटाइन डे में बिजी हैं, कोई नेता आ रहा है उन उसमें बिजी है, तो कोई आज इस समय पर लोग बीजेपी का वो चल रहा है, क्या बोलते हैं, यात्रा चल रही है, लोग उसमें बिजी हैं। एक तरफ देख रहा है कि कांग्रेस का हाथ जोड़ो चल रहा है, उसमें बिजी हैं। लेकिन किसी को आज पुलवामा दिवस किसी को नहीं याद है, क्योंकि उनके लिए शहीद क्या है, उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, उनके लिए तो सिर्फ वोट बैलेंस मायने रखता है, उनके लिए जनता मायने नहीं रखती। इसलिए लोग पुलवामा दिवस भूल गए हैं, और हम लोगों से अपील करेंगे कि इतने बड़े शहीद, हमारे 40-40 जवान शहीद हो गए, आज भी बॉर्डर में शहीद हो रहे हैं, कई हमारे लाल चले गए, हम चाहते हैं कि उनका शहीद दिवस एक अच्छे और विधिवत रूप में मनाया जाए। ये जो आज का मैसेज जो आप दे रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि हम जैसे जो युवा हैं और युवा युवतियों में जो कॉलेज के लड़की लड़के हैं, वो उनके हिसाब से तो इस मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं उठता, वो सिर्फ आज अपनी खुशियों में व्यतीत हैं कि मुझे जो है आज ये पूरा सप्ताह भर का लव डे चला, जिसमें रोज़ डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, फिर आज जो है वैलेंटाइंस डे लगातार चलता रहा ये सप्ताह भर का। उनको क्या कहेंगे आप कि वो किस नज़र से देखे इसे?
देखिए ये हर वर्ष का काम है। हम ये मानते हैं कि वैलेंटाइन डे ठीक है मनाएं, लेकिन आप जो हम जहाँ पे आज हम इतने बड़े हुए हैं, इतने बड़े जवान हुए हैं, आज हम कॉलेज कर रहे हैं, उन शहीदों के कारण कर रहे हैं। नहीं तो हमारा देश जिस तरह से अंग्रेज़ों का गुलाम था, आज फिर गुलाम होता और हम आज जो मना रहे हैं वो नहीं मनाते। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कॉलेज हो, स्कूल हो, चाहे जो भी हो, हर जगह हम शहीदों के उसमें शरीक हों और एक पुलवामा हमले का एक हमको अच्छे से श्रद्धांजलि देनी चाहिए और उसमें व्यवस्था बनानी चाहिए। कॉलेज प्रबंधक हो या स्कूल प्रबंधक हो, कोई भी हो, हर चीज़ को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश का लाल एक घर का चिराग जाता है। किसी की बहन दुखी होती है तो किसी की माँ दुखी होती है, तो किसी की बेटी दुखी होती है। आज कई ऐसे शहीद हैं जिनकी शादी भर हुई है और शादी होने के बाद वो शहीद हो गए हैं, उनके घर का क्या हाल होगा। आज किसी के घर में किसी की माँ की आँख नहीं दिख रहा है, वो बेचारी उसका लाल शहीद हो गया, उसको क्या दिख रहा होगा, उसको कोई दे। लेकिन हमारे देश में सिर्फ नेता हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, सिर्फ अपने में खुश हैं, हमारे घर का लाल सही है, हमारे घर का सब व्यक्ति सही है तो हम खुश हैं। ये लोगों को ये नहीं है कि बगल में अगर पड़ोसी के घर के बगल में अगर शराबी निकल जाए तो घर में लोग बैठे रहते, बोलने वाला नहीं है। अगर हमारे सीधी जिले में आतंकवादी आ जाए तो उसको पनाह दे देंगे, लेकिन शहीद दिवस नहीं मनाए आएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। लगातार आप देख रहे हैं कि आज वैलेंटाइन डे जिस तरीके से मनाया जा रहा है और ये अंग्रेजी कल्चर देखा जा रहा है, इस अंग्रेजी कल्चर पर हमने ये जब बात किया सर जी से, तो उनका भी कहना यही है कि देश में आज जो युवा युवतियां हैं या जो देश के जो नेता हैं जो वैलेंटाइन डे पर फोकस कर रहे हैं, हमारे कहने की जो बात है वो ये है कि जैसे आपने कहा कि जो चबूतरा है शहीद श्यामलाल सिंह जी का, वहाँ पर देखा ये गया कि आज तक सफाई नहीं होती। एक बार सिर्फ अगर मूर्ति स्थापित हो गई तो हो गई, ना पानी डाला जाता, ना उसे साफ़ किया जाता, तो आखिर में चलता क्या है। हम आज इस कल्चर में डूबे हुए हैं जहाँ हम गुलाब का फूल लेकर पहुँचते हैं एक लड़की के पास और प्रपोज करते हैं, फिर इसके बाद पूरा सप्ताह भर का चलता है और इसमें हम जो अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस जवानी की कोई कहानी ही नहीं होगी, बल्कि कहानी तो वो हो गई जो कि आज भी हम याद करते हैं उन जवानों को, जैसे भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, सभी ने जो एक युवा क्रांतिकारी और साथ में जो आज हमारे देश में जो शहीद हुए थे 14 फरवरी को। लगातार बने रहें तंगड़ी फोर न्यूज़ पर, और भी बड़ी खबरों के साथ जुड़ेंगे, हम जानने का प्रयास करेंगे और भी लोगों की ये कहीं ना कहीं आपका क्या कहना है। जैसे कि सर जी का कहना है कि लगातार इस पर फोकस करना चाहिए युवाओं को कि मुझे आज किस चीज़ की आवश्यकता है, देश की या वाकई में सिर्फ एक प्यार की। बहुत बहुत धन्यवाद।